हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड तो फ्रेन यहाँ पर भी अपडेट देखने को आ रही है फ्रॉम द इनफोसिस टीम दैट इनफोसिस नाउ अगेन स्टार्ट हायरिंग इन द अप्रैल ओके तो यहाँ पर आपको मैं लिंक देने वाला हूँ डायरेक्ट अप्लाई करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर पे। उससे पहले मैं बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और कौन लोग कैसे अपलाई कर सकते हैं सिक्स मंथ क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने वाले तो वीडियो को आप तक जरूर देखना क्योंकि बता दो तो फ्रेंड एग्जाम पैटर्न एंड फ्री प्रिपरेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ आप लोग मेरे चैनल पर चेकआउट भी कर सकते हो फॉर दी सेम एंड चलिए फ्रेंड करते वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट तो आप लोग जैसे सर्च करते हो आप, आप इन्फोसिस प्रिपरेशन तो फिर आप लोग को देखने को मिल जाएगा मेरे वीडियोस, कि मैंने अब मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन वीडियो बना चुका हूं फॉर दिस सेम ओके यहाँ पर देखेंगे फिर आपको जो है कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड मिल जाएगा आपको क्या क्या आप अपडेट होते हैं कितने राउंड्स होते हैं कि आपको प्रिपरेशन करने पड़ते हैं सीएसआई टी के लिए क्या पढ़ना है न सी एस आई टी के लिए क्या पढ़ना है अपडेटेड एग्जाम पैटर्न सिलेबस प्रिपरेशन मैं सब कुछ ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ आप लोग एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं और इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ इन्फोसिस को लेकर तो आप लोग जो है एक बार यूट्यूब पर जरूर सर्च सर्च करना फ्रेंड आपको सारे के सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे ठीक है तो मैं वीडियो में अप्लाई करने से पहले आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि यहाँ पर इफ एनी वन ऑफ द इन्फोसिस टीम इज़ वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बिग प्रॉब्लम फ्रॉम आवर साइड बिकॉज लाइक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर एग्जाम रिजल्ट एंड इंटरव्यू रिजल्ट बट विदाउट क्लियरिंग ऑल द प्रीवियस बैचेस सिलेक्शन प्रोसेस एंड हायरिंग कंप्लीट यू आर अगेन गोइंग टू बी हायर फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द अप्रेल यू कैन सी ऑर माई स्क्रीन फ्रेंड द लिंक इज डिफरेंट इन्फोसिस ऑल अंडोर ऑफ कैंपस अंडर अप्रेल ए एस सी एस सी दिस इज कॉल्ड सिस्टम इंजीनियर दे आर हायरिंग अप्रेल सिस्टम इंजीनियर सो बेसिकली मतलब मेरा मेन कंसर्न बोलने का मतलब यही है कि फ्रेंड कि देखो अगर नई रिक्रूटमेंट कर भी रही है कोई कंपनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे पिछले वाले जितने भी कैंडिडेट्स उनको कंप्लीट करना चाहिए देन ओनली यू दे शुड हायर फॉर द न्यू बैच और न्यू कैंडिडेट्स है ना तो यहाँ पर कैसे क्या होगा लोगों को समझ में आएगा ऐसे काफ़ी कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन होने वाला है ठीक है और इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं बता दो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों का जो है आप लोग जो है बी बी टेक एम ई एम टेक बी सी ए बी सी ए बी ए बी एस बी सी ए और एम एस सी एम सी ए के लोग एलिजिबल होने वाले अप्लाई करने के लिए तो यार यहाँ पर बस वही बात आ जाता है घूम फिर के कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं बता दो फिर अगर आप लोग इन्फोसिस में पिछले छः महीने में एक बार भी पार्टिसिपेट कि हो देखो अप्लाई किया हो एग्ज़ाम नहीं दिए देन इट्स फाइन यू कर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई बट इफ़ यू अपलाईड एंड यू आर अटेंडेंट द असेसमेंट और इंटरव्यू देन यू आर नॉट अलाउ विद इन सिक्स मंथ इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई विद अ न्यू आई डी एंड डिफरेंट लाइक डिफरेंट phone number, then there will be a 50-50% chances either they will be caught you or if you caught you then they will be definitely going to reject you. So it's totally depends upon you. In my point of view, I will suggest you please don't apply for the Infosys because they are they are checking your candidature like in the database also. So if you because I I heard lots of candidates got rejected in after getting an offer letter from the Infosys team because because they applied within six months after rejection so if you applied and did not receive any assessment link then you can apply and if you applied and got assessment link and you didn't attend it then, then also you can apply if you missed your exam and you, you didn't give an exam uh, you, uh, like, due to, due, uh, like due to problem issues and any whatever you are facing the issues

आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिंपल सा फॉर्म भरना है फिर कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं है ओके आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करके नेक्स्ट नच प्रक्रिया सबमिट कर देना ठीक है बहुत ईजी टू तो अप्लाई है कुछ डाउट आउट तो कमेंट में पूछ सकते हो मिलते हैं आपको दूसरे प्रमें जय हिंद जय भारत